जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ओमचो, और जो आप हमें इतना प्यार स्नेह दे रहे हो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप नए व्यूवर्स हो और हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवाते हैं, साथ ही साथ मोटिवेशनल्स वीडियो और जीवन में जो सभी प्रमुख बातें जिनके उपाय आप चाहते हैं वो उपाय हमारे इस चैनल पर आपको आसानी और सरलता से मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे खुद पर विश्वास कैसे करें। एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि खुद पर विश्वास हम कैसे करें। हर व्यक्ति बोल देता है हमें कि खुद पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास करें, लेकिन हम बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम खुद पर विश्वास रख सकें। बहुत ही साधारण आपको मैं बताऊंगा, कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा जो आपके दिमाग से बाहर जाए या आपको सुनने में अटपटा लगे। बहुत सामान्य से मैं आपको पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा, और बहुत ही सामान्य जो हम कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखने के पहले की प्राथमिकता आप समझ लीजिए कि हम खुद पर विश्वास क्यों रखें। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखने से जीवन में बहुत से बदलाव होते हैं। जीवन में आप जो भी लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता है खुद पर विश्वास से। खुद पर विश्वास से ही आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होती है, ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए खुद पर विश्वास रखने के लिए आपको मैं मुख्य 5 पॉइंट बताता हूँ जिन पर आप ज़रूर काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट है मेरा खुद पर विश्वास रखने के लिए, खुद पर विश्वास क्यों नहीं है। मतलब पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुद पर विश्वास क्यों नहीं है। खुद पर विश्वास के लिए सबसे पहले जो भी हमारे मन में जान नहीं से मतलब मेरा कहने करते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं बता सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं ये ना कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, जहाँ भी जीवन में ना चीज आ रही है, नहीं कर सकता हूँ, ना कर सकता हूँ, हो नहीं सकता, हम कैसे कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को जहाँ भी ना आ रहा है, जिस भी शब्द में, जिस भी वर्ड में, जहाँ भी जीवन में, वो कुछ भी हो सकता है, आप शर्माते हैं, जो भी हो, उन सभी ना को हाँ में परिवर्तित कर लीजिए। हाँ में परिवर्तित किस तरह से करिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं इन्हें ये बात बता सकता हूँ, हाँ मैं इतना दौड़ सकता हूँ, हाँ मैं इतना खा सकता हूँ, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं, हाँ जहाँ भी ना आ रहा हो आपका, मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, अब आपको कहाँ पर ना आ रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। जहाँ भी जिस जगह भी ना शब्द आपके व्यक्तिगत रूप में आ रहा है, जो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं आप जहाँ पे, और वहाँ पर ना आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, नोट आ रहा हो, उस नोट ना को यस में परिवर्तित करें, हाँ में परिवर्तित करें। सबसे पहली बात, अगर आपको खुद पर विश्वास करना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं कोई बड़ी बात आपको नहीं बताऊंगा जो आपके बाहर जाए, ये आप कर सकते हैं। और अगर आप जब तक खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप, शायद मेरा ये दावा है कि आप वो सफलता हासिल नहीं कर सकते जो आपके पास योग्यता है। दूसरी बात जो है, दूसरा पॉइंट है, जो बात सबसे पहली बात है वो आपने जान ली। दूसरी पॉइंट ये है, किसी भी व्यक्ति से हमारी तुलना ना करें। जब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है और आत्मविश्वास की बात आती है, खुद पर विश्वास की बात आती है, तो सबसे पहला हमारे साथ जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ ये हमारे पीछा कर रही है साया की ओर, हम लोगों से हमारी तुलना करते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ हम हमारी तुलना ना करें। अगर आपको खुद पर विश्वास करना है तो किसी भी व्यक्ति पर तुलना ना करें। किसी भी व्यक्ति से तुलना, सबसे पहले ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको बिल्कुल अमल करें, किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दें। दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे अधिक हमें खुद पर विश्वास रखने में रुकावट पैदा होती है, जो तीसरी बड़ी बात है, हमारे अभाव। देखिए, जब तक आपके जीवन में अभाव नहीं होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तब तक आप अपना व्यक्तित्व पूर्ण रूप से निखार नहीं सकते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत, और ये बिल्कुल सच भी है कि जब तक आपके जीवन में अभाव नहीं होगा, उन अभाव से आप जूझेंगे नहीं, तब तक शायद जीवन में अपने व्यक्तित्व का निखार भी नहीं हो पाएगा, और हम तो उसे लड़ना भी नहीं सीख पाएंगे।
तू उन्हें एक्सेप्ट करना सीखे, स्वीकार करना सीखे। जो है ठीक है, हम उसे बदल सकते हैं और बदलेंगे भी, और बदलने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन एकदम से कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं होती। इस प्रकृति में भी हमें जो परिणाम दिखाई देते हैं, वो परिणाम कई बरसों की मेहनत से, कई बरसों की मेहनत बोलूं या कई बरसों के कठिन परिश्रम के बाद हमें वो इतना बड़ा सफलता हासिल होता है, इतनी बड़ी चीज़ हमें दिखाई देती है। तो उसी आधार पर जो भी समय है आपका खराब, उसे आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उसे आप दिमाग में न रखें कभी भी। जो समय आज है वो हमेशा नहीं रहता। अगर आज मेरा अच्छा समय है तो कल मेरा अच्छा समय नहीं रहेगा, कल अच्छा समय नहीं था तो आज मेरा अच्छा समय रहेगा ना। आगे पीछे अप्स एंड डाउन जो है वो चला चला ही करता है, चाहे आप इसे माने या ना माने। तो इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। बदलाव होना चाहिए, बदलाव एकदम से नहीं होता है, एक बात है। बदलाव के लिए प्रयास आपका करना बहुत अच्छी बात है, और उसी प्रयास को आपको करना है। चौथी बड़ी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो खुद पर विश्वास करने में हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हम सपोर्टिव, हमारे सपोर्टर्स कम हैं, हमें सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, या हमें कोई मोटिवेट नहीं करता। ये जो चीज़ें होती है खुद पर विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप सेल्फ मोटिवेशन, खुद प्रेरक, खुद प्रेरित हो, अच्छी अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ लीजिए, या प्रेरणादायक वीडियो देख लीजिए, या प्रेरणादायक कोई भी कार्य करिए जिससे वाकई में आपके मन में अच्छा लगे, बिल्कुल बहुत अच्छा लगे, कि ऐसा कहीं भी नहीं लगे आपको कि मन अशांत है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जरूर करें, उससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, नकारात्मक। आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नेगेटिव ना सोचें। हमेशा किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में केवल और केवल पॉजिटिव रहें। कोई भी हालात हो, हमें क्या लेना है यहाँ से? खाली हाथ आए थे, खाली आना है। जब हम यहाँ पैदा नहीं हुए थे तो हमारा कोई वजूद ही नहीं था, और हम यहाँ जब पैदा हुए उसके बाद हमारा वजूद, और हमने इतनी सारी दुनिया रच दी, और हम इतने उसमें उलझे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसमें उलझे नहीं, इससे थोड़ा सा बाहर आए। बेफिजूल की बातें ना सोचें, अपने तर्क को भी सकारात्मकता में लगाएं। तर्क जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा। अगर हम तर्क गलत दिशा में तर्क लगाते हैं तो वो तर्क स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। इसलिए तर्क शक्ति हमारी भी सकारात्मक होना चाहिए, और बाकी जितनी भी जीवन की आपकी विचारधारा हो, जीवन में हर घटना, हर चीज़ को प्रेरणा लेते हुए उसे केवल पॉजिटिव साइन के साथ आप जिए। कोई भी घटना हो उसे बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके ही जिए, और बिल्कुल पॉजिटिव रहे। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, खुश रहना। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की सभी चीज़ों में खुशी होगी, कि इसमें खुश होगा उस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत बात है। खुशी वास्तव में हमारे मन के अंदर होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है। डर भी हमारे मस्तिष्क में होता है, खुशी भी हमारे मस्तिष्क में होता है, अच्छा बुरा सब हमारे मस्तिष्क में होता है, बाहर कुछ भी नहीं होता है। हमारा देखने का नज़रिया जिस तरीका का होता है, उस तरह की हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम दुनिया नहीं बदल सकते, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम सकारात्मक जरूर हो सकते हैं, मैं इस पर जरूर बात करता हूँ। और ये इसलिए मैं इतनी बात बता रहा हूँ दोस्तों, कि यदि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मेरी बात सही नहीं है या जो भी है, तो आप केवल सब कुछ, अपना जितना भी पास्ट है जो भी, उसे सब कुछ भूल कर केवल 21 दिन जो मैं बात कर रहा हूँ उसे आप अमल करें। तो 21 दिन यदि अमल करेंगे तो 22वें दिन आप खुद मुझे फ़ोन लगाने की कोशिश करेंगे, और आप पूछेंगे हाँ बहुत फ़ायदा होगा। और ये प्रैक्टिकल उपाय हैं, ये प्रैक्टिकल लोगों के बीच में दिया, जिन लोगों को मैंने बोला, हज़ार कम से कम जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले और जितने भी लोग हैं हज़ार की तादाद में, उन सभी को मैंने बताया कि आप ऐसा करिए, और उनको फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा होने के बाद वो बोलते हैं गुरुजी हमारा इस तरह से फ़ायदा हुआ, आपने बहुत सामान्य सी बातें बताई। वो बोलते हैं कि हमें तो कुछ ऐसा विशिष्ट लगता होगा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। और उसी के लिए दोस्तों मैंने इसीलिए आपको ये बात बताई है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चीज़ पर अमल करें। अमल करने के साथ साथ
बिल्कुल सकारात्मक रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। जय श्री महाकाल।